गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री। नाउ दिस इज़ द न्यू टर्म फॉर यू ऑल। ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, ज्योमेट्री। अभी हम देखेंगे व्हाट इज ज्योमेट्री। नाउ हियर सी 9.1 टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ लाइंस। नाउ फर्स्ट सी, देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस। हाउ मेनी? टू। स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस, ये आपको पता है, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर नेम्ड एज फॉलो। फर्स्ट वन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, यस दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो इसे हम कौन से लाइंस बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। द लाइंस ड्रॉन हॉरिजॉन्टली आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे। इस लाइंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। नाउ सी नेक्स्ट, नेक्स्ट आर वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, द लाइंस ड्रॉन वर्टिकली आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। वर्टिकली मीन्स कैसे? देखो ऐसे, ये है वर्टिकल लाइंस। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ऐसे ड्रॉ किए हैं और ये ऐसे, लेकिन ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है, ये आपको याद रखना है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। डायगोनल और ओब्लिक और स्लांटिंग लाइंस, द लाइंस ड्रॉन इन अ स्लांटिंग पोजिशन। ये कौन सा पोजिशन है? स्लांटिंग पोजिशन। देखो आपने पढ़े हैं स्लांटिंग लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। आर कॉल्ड डायगोनल लाइंस और ओब्लिक और स्लांटिंग लाइंस। नेक्स्ट कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस कौन से है? सी दीज आर द ऑल कर्व्ड लाइंस। ये देखो ये सब कर्व्ड लाइंस है, यहाँ पे पिक्चर दिया है। कर्व्ड लाइंस मे बी ड्रॉन इन डिफरेंट वेज दैट गिव देम डिफरेंट शेप्स एंड नेम्स। दे आर लूप्स। फर्स्ट वन इज लूप्स, ये है लूप्स। नेक्स्ट इज वेवी, ये देखो ये ऐसे ऐसे वेवी। सर्कल, सो दीज आर द सर्कल। ओवल, सी ओवल। एंड स्पायरल, सो दिस इज द स्पायरल। ओके, कर्व लाइंस, ये सब कौन से है? कर्व लाइंस। ओके, इसे हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट हमने कौन सी लाइन देखी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और स्लांटिंग, एंड दीज आर द कर्व लाइंस। ओके, ऑन द बिलो डॉट ग्रीड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस इन ब्लू। इफ यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन योर बुक। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस इन ब्लू, वर्टिकल लाइंस इन ग्रीन, एंड स्लांटिंग लाइंस इन रेड, एंड कर्व लाइंस इन ऑरेंज। ओके, यू कैन ड्रॉ योर इन द गिवन डॉटेड ग्रीड। नाउ सी नेक्स्ट, 9.2 प्लेन फिगर्स डिफरेंट शेप्स। फर्स्ट वी हैव लर्न डिफरेंट लाइन्स एंड टाइप्स ऑफ लाइन्स। टूडे वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट शेप्स ऑल्सो। वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स। ओके, जो हमने स्ट्रेट लाइन्स पढ़े हैं उसको देखकर एंड कर्व लाइन्स को भी, सम ऑफ द सिंपल फ्लैट शेप्स आर। फर्स्ट कौन सा है? स्क्वेयर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, डायमंड एंड सर्कल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्क्वेयर शेप। दिस इज द स्क्वेयर शेप, विच इज द शेप? स्क्वेयर। स्क्वेयर, इट हैज फोर साइड्स। कितने साइड्स है उसको? फोर, 1, 2, 3, 4 एंड फोर वर्टाइसेस, मीन्स यही 1, 2, 3 एंड 4 वर्टाइसेस। ऑल इट्स फोर साइड्स आर द सेम मेजर। इन चारों का मेजरमेंट जो है वो सेम होता है। एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड इज कॉल्ड द स्क्वायर रीजन। और ये जो अंदर का एरिया है इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रीजन। अ स्क्वायर हैज़ टू डायगोनल्स। सी हियर ऑलरेडी दे हैव ड्रॉन द लाइन, दीज आर द टू डायगोनल्स ऑफ सेम मेजर। इनका मेजरमेंट भी सेम होता है। अ डायगोनल इज अ लाइन दैट जॉइंस द अपोजिट वर्टाइसेस।
अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, देखो यहाँ पे है वर्टाइसिस, ओके, यहाँ पे ये है इनके वर्टाइसिस, और ये जो डायगोनल लाइंस है वो अपोजिट साइड के वर्टाइसिस को जॉइन कर रहे हैं, ओके. सी, कैन यू सी रेड लाइन एंड ब्लू लाइन, दे आर जॉइनिंग द अपोजिट साइड्स ऑफ वर्टाइसिस, ओके. दिस इज द स्क्वेयर, स्क्वेयर इज हैविंग दैट ऑल साइड्स आर ऑफ सेम मेजर, एंड अ स्क्वेयर हैज टू डायगोनल्स, वन एंड टू, एंड अ डायगोनल इज अ लाइन दैट जॉइंस द अपोजिट वर्टाइसिस. नेक्स्ट, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल. नाउ सी हियर, रेक्टेंगल, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर वर्टाइसिस, सेम. रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स, वन टू थ्री फोर, एंड इट हैज फोर वर्टाइसिस, वन टू थ्री फोर, फोर वर्टाइसिस. द एरिया एनक्लोज इनसाइड इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर रीजन. नाउ हियर इट इज फुल रेक्टेंगुलर रीजन, इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑफ द सेम मेजर. नाउ अपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम मेजर, देखो इसकी और इसकी मेजरमेंट सेम है, और ये साइड की और ये साइड की मेजरमेंट सेम है. अ रेक्टेंगल हैज़ टू डायगोनल्स ऑफ सेम मेजर, इनको भी दो डायगोनल्स है, देखो एक रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन है, ये डायगोनल्स हुए, उसका मेजरमेंट भी सेम होता है. नेक्स्ट इज ट्राइंगल, सी दिस इज ट्राइंगल, इट हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टाइसिस, इट हैज़ अगेन थ्री साइड्स, वन टू एंड थ्री, एंड वर्टाइसिस ऑल्सो वन टू एंड थ्री वर्टाइसिस. एरिया एनक्लोज इनसाइड द ट्राइंगल इज कॉल्ड द ट्राइंगुलर रीजन, इसके अंदर के एरिया को हम बोलते हैं ट्राइंगुलर रीजन. इट्स साइड्स कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट मेजर्स, उसके साइड्स सेम मेजरमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट मेजरमेंट के भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज डायमंड, डायमंड. नाउ डायमंड और रोम्बस, हम डायमंड को रोम्बस भी बोलते हैं, डायमंड और रोम्बस. इट हैज फोर साइड्स एंड फोर वर्टाइसिस, अगेन इट हैज फोर साइड्स, सी दिस इज वन टू थ्री फोर, फोर साइड्स एंड वन टू थ्री फोर वर्टाइसिस. द एरिया एनक्लोज्ड इज कॉल्ड द रीजन ऑफ डायमंड और रोम्बस, इसके अंदर के एरिया को हम बोलते हैं डायमंड और रोम्बस रीजन. ऑल इट्स फोर साइड्स आर ऑफ सेम मेजर, उन चारों की जो मेजरमेंट है साइड्स की वो सेम होती है. इट्स टू डायगोनल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स, बट द मेजरमेंट ऑफ डायगोनल इज डिफरेंट, सी. नेक्स्ट इज सर्कल, सर्कल, सर्कल एवरीवन नो, इट इज राउंड इन शेप, राइट. इट इज मेड अप ऑफ, सॉरी, इट इज मेड ऑफ अ कर्व्ड लाइन, ओके, इट इज मेड ऑफ कर्व्ड लाइन and hence has no sides and no corners. यहाँ पर आप देख सकते हो circles को कोई भी corners नहीं है और कोई sides नहीं है, जैसे square, rectangle, triangle, diamond इनको था, वैसे इनको नहीं है. area enclosed inside the circle is called the circular region. circle के अंदर जो region है उसे बोलते हैं circular region. Some more simple shapes are, some shapes they have given us. First is pentagon. This shape is pentagon. See how many sides pentagon has? Five sides. One, two, three, four, five. So these are the five sides of pentagon. Hexagon. Hexagon ko kitne sides hai? Six sides. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ऑक्टागन, ऑक्टागन हैज हाउ मेनी साइड्स? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. सी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट साइड्स. नेक्स्ट इज डेगागन, इट हैज टेन साइड्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. सो पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन एंड डेगागॉन, दीज आर द मोर
simple shapes. So see here next, observe the shapes and write the number of sides and vertices. Already we have seen these shapes and we just have to write their sides and vertices. Now this is the triangle. ट्राइंगल को कितने साइड्स है? 1, 2 and 3 साइड्स, राइट? तो हम यहाँ पे साइड्स में लिखेंगे 3. वर्टाइसिस कितने हैं? 1, 2 and 3. सो हियर यू विल राइट 3 साइड्स एंड 3 वर्टाइसिस. नाउ दिस इज द स्क्वायर. जैसे कि हमने स्क्वायर को कितने साइड्स देखे थे? 4 साइड्स, 1, 2, 3, 4. सो आपको यहाँ पे लिखना है 4. और वर्टाइसिस 1, 2, 3, 4, 4 वर्टाइसेस. नेक्स्ट ये कौन सा है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल को कितने साइड्स होते हैं? 1, 2, 3, 4. सो यहाँ पे हम 4 साइड्स लिखेंगे. वर्टाइसेस सेम 1, 2, 3, 4 वर्टाइसेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? वी हैव सीन हियर इट इज पेंटागॉन. सो पेंटागॉन इज हैविंग हाउ मेनी साइड्स? 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स, राइट? 5 साइड्स एंड वर्टाइसेस 1, 2, 3, 4, 5 वर्टाइसेस. जितने साइड्स है उतने ही वर्टाइसेस होते हैं. देखो जितने साइड्स है उतने वर्टाइसेस सेम. नेक्स्ट दिस इज हेक्सागन. पीछे के पिक्चर में दिया है हेक्सागन. कितने साइड्स है? 6 साइड्स और वर्टाइसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्टाइसेस. ओके नेक्स्ट लास्ट इज ऑक्टागॉन, राइट? एंड हाउ मेनी साइड्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 और वर्टाइसेस भी सेम रहेंगे 8. ओके नेक्स्ट आइडेंटिफाई दीज एंड राइट देयर नेम्स. ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम्स लिखने हैं. इट हैज़ 5 कॉर्नर्स. ऐसे कौन है जिसको 5 कॉर्नर्स है? देखो 1, 2, 3, 4, 5. तो हम लिखेंगे कौन सा था ये? पेंटागॉन. सो आपको यहाँ पे लिखना है पेंटागॉन. इट हैज़ 8 साइड्स. अभी 8 साइड्स किसको थे? पीछे के पेज पे देखो 89 पेज पर ऑक्टेगॉन को 8 साइड्स थे. तो आपको यहाँ पे लिखना है ऑक्टेगॉन. नेक्स्ट इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स. ऐसा कौन सा है? स्क्वेयर. इट हैज़ 6 साइड्स. 6 साइड्स किसको थे? दिस हेक्सागन, राइट? सो आपको लिखना है हेक्सागन. इट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. सबसे कम साइड्स है उन्हें. कौन सा है वो? सबसे कम साइड्स किसको है? 3 साइड्स ट्राइंगल, राइट? तो आपको लिखना है ट्राइंगल क्योंकि उनको सिर्फ 3 साइड्स है, बाकी सबको ज़्यादा है. लीस्ट मीन्स कम साइड्स. यहाँ पे इट हैज़ 10 कॉर्नर्स. ऐसा कौन है सबसे ज़्यादा वाला? डेगागॉन. ओके इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज. ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग द गिवन डॉट ग्रिड. सो यू कैन ड्रॉ योर डिफरेंट शेप्स इफ यू वॉन्ट. ओके 9.3 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू कंप्लीट टिल पेज नंबर 9090. रीड आउट 88 एंड 89 पेज नंबर ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड द शेप्स एंड लाइन्स. ओके थैंक यू.